लोकसभा के चुनाव बिहार और उसमें भी लालू प्रसाद कुनबे के लिए खास है। बीते विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ की सियासी गंगा में बहुत पानी बह गया। लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार ने घोर विरोधी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर लालू कुल को सत्ता से बाहर कर दिया। इसी बीच लालू यादव जेल ऐसे गए कि जमानत तक नहीं मिली। जेल के नाम पर अस्पताल तक ही आजादी चुनिंदा दिनों के लिए मिल सकी। लोकसभा चुनाव की बिसात बिछी तो दो बेटे तेजस्वी और तेज प्रकाश ही एक दूसरे से उलझ गए। इन सारे उलझनों के बीच पाटलिपुत्र सीट से बेटी मीसा भारती कभी लालू जी के ही करीब रहे राम कृपाल यादव के साथ चुनावी मुकाबले में है। राजनीति की इस रण की चर्चा के कई कारण है। पाटलिपुत्र देश के उन ऐतिहासिक शहरों में शुमार है जो 2000 साल पहले शिक्षा कारोबार आदि के लिए सारी दुनिया में ख्यात थे। पाटलिपुत्र का ही बिगड़ा नाम पटना है। अब तो यहाँ पाटलिपुत्र नाम का एक रेलवे स्टेशन भी बतौर यादगार है। वैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य यहीं से स्थापित किया था। यहाँ दो लोकसभा सीटें हैं, एक पटना साहिब और दूसरी पाटलिपुत्र। पटना साहिब से भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा ने दिग्गज रविशंकर प्रसाद का मुकाबला जोरों पर है। वहीं पाटलिपुत्र में मीसा के माध्यम से लालू कुल की इज्जत दांव पर है। दरअसल मीसा के मोह के कारण रामकृपाल ने लालू खेमा छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। वे एक बार मीसा को हरा भी चुके हैं। वैसे 2008 के परिसीमन के बाद बनी सीट पर पहला चुनाव 2009 में हुआ था। तब जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार डॉक्टर रंजन यादव ने खुद लालू जी को शिकस्त की थी। 2014 के चुनाव में मीसा ने यह सीट 40,000 से भी ज्यादा मतों से अंतर से गवाई थी, जहां सबसे ज्यादा मतदाता भूमिहार और यादव है। लिहाजा जाति समीकरण का जरा ऊंट इस करवट बैठेगा, इसका आकलन जरा मुश्किल है। जदयू और भाजपा के खट्टे मीठे संबंधों के चलते मोदी लहर जैसी कोई बात यहाँ नजर नहीं आती। वहीं लालू जी की अनुपस्थिति के कारण राजद भी परेशानी महसूस कर रही है। बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, कम रेल सुविधाएं, सिंचाई के संसाधनों का बुरा हाल और गंगा नदी पर स्थायी पुल की ललक यहाँ के चुनाव मुद्दे हैं, लेकिन निर्णायक नहीं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।